बाबा भूत भावन कहते हैं को न सुनए अस जान। श्री राम जी की कथा साक्षात कामधेनु है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुर लोक सब श्री राम कथा कामधेनु है अर्थात सुनने मात्र से जीव की समस्त कामनाएं पूर्ण करती है राम कथा। राम कथा की अनेक विधि नहीं है, एक विधि है। क्या है? एक व्यक्ति कहे और एक व्यक्ति सुने। महाराज बहुत सुने, बहुत सुनते नहीं है। आप बहुत लोग सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कथा बहुत लोग नहीं सुनते हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य बाबू की ऋषि महाराज, महाराज श्री आजकल कथाओं में बड़ी भीड़ हो रही है। मैं मुस्कुराया क्योंकि इतनी अधिक श्रद्धा है लोगों में कि कथा सुने बिना रह नहीं पाते। और आप में से जो कथा श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो अपने को परम सौभाग्यशाली समझे। कथा बहुत लोग नहीं सुनते। गांव में यदि 10,000 की संख्या हो तो कुल 100 लोग कथा सुनते हैं। आप देखिएगा आगे जितने लोग बैठे हैं किसी का मोबाइल बंद नहीं रहता है, सबका मोबाइल अपना काम कर रहा होगा। कोई कर रहा होगा, कोई सुन रहा होगा, कोई भेज रहा होगा, कोई खींच रहा होगा। हमको तो आश्चर्य होता है, भगवान के सन्मुख भोग भी लगाते हैं लोग तो फोटो पर ध्यान रहता है, भगवान में ध्यान नहीं रहता है। इसलिए बाबा ने लिखा रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन ना। इस उत्सव में तीन बातें प्रधान हैं। यज्ञ मंडप की परिक्रमा पहला काम, जो अनुष्ठान में सरकार कितने कुंडी यज्ञ है, 51 कुंडी महायज्ञ है, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ है। यजुर्वेद के द्वारा परिपुष्टित चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के चार उपवेद हैं। ऋग्वेद का है आयुर्वेद उपवेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, अथर्व वेद का है स्थापत्य वेद। इस यजुर्वेद से समन्वित यज्ञ मंडप में आहुति समर्पित न कर पाए तो केवल परिक्रमा लगा लेने से यज्ञ में बैठने का फल साधक को प्राप्त होता है, इसलिए परिक्रमा अवश्य लगाइए। जैसे आहुति प्रारंभ हो जाए परिक्रमा प्रारंभ हो जानी चाहिए। पहला उत्सव यज्ञ में ये होना चाहिए। दूसरा, कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, हर व्यक्ति जो देखिए सावधानी बरतनी है, जो लोग
गले में परिचय पत्र डाले हैं, आई कार्ड डाले हैं, वो फोटो खिंचवाने से बचें। वो बिटिया के ब्याह में बिटिया के भाई हैं, उनका काम है कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, एक भी कूड़ा दिखाई पड़े उसको उठा के डस्टबिन में डालिए, कोई पानी मांगे पानी पकड़ाइए उसको, कोई पूछते रहिए आपने प्रसाद लिया, भंडारे में सम्मिलित होइए, प्रसाद लीजिए। ये यज्ञ में दूसरा कार्य है कि कोई भी आ जाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कोई आ जाए बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए, 24 घंटे चलता रहे दूसरा कार्य। और इन दोनों विशेष कार्यों से फुर्सत मिल जाए तो सांस को थोड़ी कथा भी सुन लिया जाए, थोड़ी देर, आप 3 घंटा सुनो, हमारी आवश्यकता नहीं है कि अनिवार्यता भी नहीं है, जितनी देर सुनिए उतनी देर ठीक से सुनिए, कथा तो सुनाते ही रहते हैं, जितनी देर सुनिए। फिर शाम को श्री महाराज जी कह रहे थे कि बाबू शाम को भजन संध्या भी है, नाना विधि कलाकार लोग आएंगे, तो उन आने वाले अतिथियों का, कलाकारों का सम्मान भी करना है, तो वहां भी थोड़ा बैठना चाहिए। और संध्या वेला में जो भजन पूजन में लग जाता है, कीर्तन भजन सुनता है, उसकी दिन भर की थकान मिट जाती है, इसलिए उसके लिए हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। और सारे उत्सवों को समभाव रखते हुए हमको इस महोत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। हम किस लिए आए हैं? हम कथा सुनाने आए हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की बताओ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय महामोह महेश विशाला राम।
कथा शश किरण समाना संत चकोर जाती है।
जय राम कथा।